आज हमारे एपिडेमियोलॉजी यूनिट जो है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ का, तो उन्होंने बेसिकली देखे पब्लिक पे काफ़ी स्केयर है कि मंकी पॉक्स है, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पब्लिक को भी सेंसिटाइज करें और अपने स्टाफ को भी सेंसिटाइज करें टाइम पे कि बेसिकली मंकी पॉक्स है क्या, उसकी क्या क्या इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसलिए आज की वर्कशॉप उसी लिए हुई जिसमें डिस्कस किया गया अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने जो हमारे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें हमारे आज वेटरनरी डिपार्टमेंट के लोग भी थे, तो उनके साथ बात की, उनको समझाया, उनको दिखाया, उनको बताया कि व्हाट आर द नेशनल गाइडलाइंस, हमको क्या क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रिपेयर्डनेस रिक्वायर्ड। तो वो सारा डिस्कस हुआ इनके साथ, वो एक मोनोलॉग नहीं था, उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए, उनके भी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो भी क्लियर की गई। तो आई एम श्योर, और मेरा ये मानना है कि देखो जैसे अब कोविड आया तो वी आर स्ट्रेट वे पुट इनटू दैट कोविड डिजीज़। तो अभी इस वक्त हमें पता है कि मंकी पॉक्स है, फोर्थ वेव ऑफ कोविड इज़ कमिंग, आर वी आर बिटवीन दैट फोर्थ वेव। तो उसके लिए तो हमने अपने स्टाफ को सेंसिटाइज करना है, और हमेशा से गाइडलाइंस भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, डिसीजन भी चेंज हो जाते हैं। तो उसी लिए आज हमने ये वर्कशॉप की, और वी विल कंटिन्यू विद सच काइंड ऑफ वर्कशॉप्स, और साथ साथ हम अखबारों में भी, IEC के थ्रू भी, TV भी, रेडियो भी, वहाँ से भी लोगों को सेंसिटाइज करते हैं। और मैं लोगों को यही कहूँगा कि मंकी पॉक्स इज़ नॉट स्केयर राइट नाउ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वी आर वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, और वी विल टेक वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। और दूसरा, आज हमारी एक और वर्कशॉप थी यहाँ, विच वॉज एमरजेंसी इज़ अ न्यू कंसेप्ट, एमरजेंसी मैनेजमेंट इन जम्मू प्रोविंस। तो वी हैव कम ए बिग वे, तो आज एमरजेंसी पे हमारा काफ़ी काम हो रहा है, तो अब हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। अपग्रेड इन द सेंस कि अभी तक हम अगर वन पार्ट ऑफ इट इज़ थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्बोलिसिस में एक ड्रग यूज़ कर रहे थे हम स्ट्रेप्टोकाइनेस, लेकिन जब हम पहले नाउ वी आर अवेयर, अब हमें पता है कि वी आर ट्रेंड, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल इन द रिमोटेस्ट एरियाज ऑन डेली बेसिस, एंड वी आर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू इज सेविंग लाइव्स हर एक नुक्कड़ कॉर्नर पे। तो अभी तक हम स्ट्रेप्टोकाइनेस दे रहे थे, तो अब हम सोच रहे हैं कि वी शुड अपग्रेड टू द अनदर ड्रग, दैट इज़ टेनेक्टाप्लेस। टेनेक्टाप्लेस के लिए भी ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप थी, हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे पैरामेडिक्स थे, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स थे। अगेन हमने ये बताया कि स्ट्रेप्टोकाइनेस और टेनेक्टाप्लेस का डिफरेंस क्या है, तो ये इसकी फिजिबिलिटी, इसकी कंप्लायंस, इसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेप्टोकाइनेस। वही सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप थी, तो हम कोशिश करेंगे कि टेनेक्टाप्लेस को भी सिस्टम में जल्दी से जल्दी शुरू करें और पेशेंट को ज़्यादा फायदा हो। टोटल 10 केसेस पूरे मुल्क में है, तो और सिम्टम्स भी बड़े माइल्ड होते हैं, तो नो स्केयर नो वरी। थैंक यू।